हाँ बेटा आप नाम बताओ, कहाँ से है? मदनपुरी से। नाम बताओ बेटा अपना। घर में बहुत दिक्कत परेशानी चल रही है, काला जादू हुआ पड़े। परछाई किसको दिखती है घर में भाई? घर को दिखती है। तबीयत किसकी बहुत खराब रहती है? गलत गर्म किसके साथ होते हैं रात को? शरीर किसका टूटता है रात को? बेचैनी और घबराहट। शादी किसकी नहीं हो रही घर में? लड़की की शादी नहीं हो रही। रिश्ता आता और आके एकदम में चला जाता है, जवाब भी नहीं आता। सत्य बेटा, बदबू किसको आती है बेटा घर में? गंदी घर को आती है बेटा हल्की हल्की। बेटा काली की कमी शक्ति चली गई है, ठीक है, फिर में प्रेत है बेटा, और तेरी बच्ची के ऊपर भी किया हुआ बेटा, बाल भी काट रखे हैं उसके, तो अब तेरे भी कटे हुए हैं, तेरे को तो सब पता है। कितने पैसे खर्च कर दिए तुमने भक्तों के पास है? घर तो तेरा बर्बाद ही हुआ पड़ा भाई ऐसे तो। बेटा वो बुरे में, अच्छे में नहीं है, जो तेरे पे छोड़ी हुई है बेटा। तेरा रात को जो शरीर टूटता है उसी वजह से टूटता है, जो परछाई तेरे को दिखती है वो तभी दिखती है, ठीक है। और पिछले कई सालों से तो तू बहुत रोई है, गलत कर्म भी होता है तेरे साथ, ठीक है भाई। तेरे को भाई टांगों में दर्द होता है कई बार, और पेट में ऐसा लगता है कीड़ा चल रहा है जैसे की, बेचैनी और घबराहट भी होती है भाई तेरे को, तो गंदे सपने भी आते हैं बेटा तेरे को, जैसे कोई औरत या मरे हुए गिरे के। इसको तो शमशान भी उससे खिलाया हुआ है भाई, करवाने वाला तुम्हारा अपना ही है भाई, साथ ही रहते हैं तो। थोड़े दिनों पहले हादसा किसका हुआ है घर में? हादसा क्या हुआ है? मौत किसकी हुई है? परिवार के उसमें ही किसी की मौत हुई है? दो मिनट बंद कर। किसकी हुई है? चले जाओ, चले जो मतलब टाइम ना हो जाने का, अचानक गया हो। कौन गया वो? उसमें भी बहुत बारी किया था, नाम बताना। लेकिन किया वो तो उसमें भी था घर में, तुम्हारे तो पीछे से चला आ रहा है, तो नंबर से मिला है। अच्छा, मैं तो मत फटे इस परेशानी में, तो जूझते जूझते बहुत साल हो गए भाई। भगत कौन आया था घर में भाई? भगत आया था भाई घर में? भगत कौन आया था? भगत पैसे दिए थे? वो तो उल्टा खराबी कर गया भाई, ऐसे किसी को नहीं बुलाते घर में भाई। और कौन आया? चीजें छोड़ के क्या मुस्लिम है? मुस्लिम आया हुआ ये? 12 साल पहले। क्या ठोक के गए थे अंदर? जमीन में भी गाड़ के गए वो तो तुम्हारे? कहाँ खुदवाया था उससे? पुराना मकान था, शक्ति का आवेश।